सैनिकों की संख्या हथियारों की संख्या बढ़ाने की जगह अपनी सेना को विस्तृत करने की जगह उसे घटाते हैं। 32,000 की सैनिकों से भरी हुई एक सेना को घटाकर 10,000 में लेकर आते हैं। अभी सेना को भी और घटाते हुए 10,000 से 300 तक लेकर आते हैं। इनके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही इनके पास कोई ऐसे कवच है, और 300 की जो छोटी सी झुंड है, ये जो सेना है, इतने कमजोर है कि नदी किनारे जाकर अपने घुटनों के बल होकर पानी पीने की भी इतनी सामर्थ नहीं थी। वे पानी लेकर अपनी जेब से कुत्तों की तरह चबड़ चबड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है उन लोगों का सामना करने के लिए जो टिड्डियों के समान अनगिनत होकर अपनी सेना के साथ में, अपने पशुओं के साथ में इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए, इसराइल का सब कुछ सत्यानाश करने के लिए इसराइल के चारों ओर आकर घेरे हुए हैं। परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना है, लेकिन 300 लोगों में से परमेश्वर कितने लोगों को उपयोग करते हैं इसे देखना आज बाकी है। क्या परमेश्वर 300 लोगों को उपयोग करते हैं, या फिर परमेश्वर किसी एक जन को उपयोग करते हैं, या फिर परमेश्वर किसी का उपयोग ही नहीं करते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से आज अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। गिदियोन के बारे में हमने सुना है, सूरवीर सुरमा कहते हुए परमेश्वर ने उनको चुना है। 32,000 की सैनिकों की सेना को घटाकर परमेश्वर ने 300 लोगों में कर दिया है। अभी मिद्यानियों के ऊपर चढ़ाई करना बाकी है, मिद्यानियों को हराना बाकी है। परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हुए इस घटना के बारे में अधिक जानकारी लेने से पहले, हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आई परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर रखे, अपनी अगुवाई हमारे संग भी रखे। गिदोन को परमेश्वर ने जिस प्रकार से चुना है, वैसे परमेश्वर हमें भी चुना है, और हमें भी परमेश्वर अपने पराक्रम से भरते हुए, अपने सामर्थ्य से भरते हुए हमारे पक्ष में होकर परमेश्वर हमारे क्षेत्रों से हमें छुटकारा दिलाए। हर प्रकार की विपत्ति से, परेशानियों से, आफतों से परमेश्वर हम सबको मुक्त रखे, आज़ाद रखे, और अद्भुत से समय परमेश्वर ने जो हमारे जीवन प्रकट की है उसके माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, उनके सारे उपकारों को भी स्मरण करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, उपासना करते हुए, उनकी याचना करते हुए हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले आई फिर से एक बार अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, खुदावंत की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाते हुए मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक निहत्य को परमेश्वर आप खड़ा करते हैं, अन्याय जब होती है, अंधेर जब होते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी सहायता पहुंचाकर आप छुड़ाते हैं। मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर इसराइलियों को लेकर आए हैं, वही इसराइल प्रभु आज अपने देश में बस चुके हैं, लेकिन वहां पर अंधेर करने वाले मिद्यानी आते हैं। परमेश्वर आप कैसे अद्भुत कार्य अभी तक किए हैं, किस प्रकार से प्रभु आपने चलाया है, इन सारी घटनाओं के माध्यम से हमसे बातें करते हुए, हमें प्रेम करते हुए आज भी हमारे पास आकर प्रभु जी हमें भोर को प्रभु जी हमारी नींद से जगाते हुए आपके पवित्र सानिध्य में, आपके दिव्य पुस्तक प्रभु जी हम सबको एकत्रित किए हैं। खुद आपने हमें सज्जों की संख्या में रखा है, भाग्यवानों की संख्या में रखा है, आशीषमानों की संख्या में रखा है, तंदुरुस्तों की गिनती में रखते हुए परमेश्वर भोर को तड़के उठते हुए आपकी उपासना करने का भाग्य में प्रदान किया है। शुक्रिया करते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके महान कार्यों के लिए, आपके आशीर्वादों के लिए, एक अद्भुत सा घड़ी जो आपने हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रभु जी प्रदान किए हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। आशीषमानों की गिनती में प्रभु जी आप हमें चलाते हैं, प्रभु जी इसके लिए फिर से एक बार आपको शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके प्रिय भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीषमान हाथ से प्रभु जी छूने के लिए और उनको बरकतों से भरने के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर हर किसी को छुटकारा देने के लिए दुआ करते हैं। आपकी विशेष कृपा में प्रभु जी सभी को चलाते रहिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी खड़ा करते रहिए। आज के सुबह फिर से एक बार प्रभु जी अपनी आत्मा की अगुवाई में और अभिषेक में हमें चलाते हुए हमसे बातें कीजिए। सारी आदर, सारी सम्मान और महिमा प्रभु जी आप स्वयं प्राप्त करें। हमारी सारी पुकारों को सुनकर अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों के ग्रंथ 7वें अध्याय में चल रही है। कल के ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ा है, 13 वचन से लेकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर न्यायों के ग्रंथ 7वें अध्याय का 13 वचन से लेकर आगे पढ़ते हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसका ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह तो योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इसराइली की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यानियों को सारी छावनी समेत कर दिया है।
उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इसराइली की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने 300 पुरुषों को 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब उस छावनी के छोर पर पहुंचो तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना और ललकारना कि यहोवा और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आदि जो ही पहरों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगा को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंह को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने के लिए नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेचिता तक और तबाद के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इसराइली पुरुष नप्ताली और अशेर और मनुष्य के सारे देश से इकट्ठा होकर मिद्यानी के पीछे पड़े और गिदोन ने इब्राहिम के सपहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यान से मुठभेड़ करने को चले आओ और यर्दन नदी के घाटों तक बेतपारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब इब्राहिमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतपारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेबला मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब को जेब नाम दाकरस के कुंड पर घात किया और वे मिद्यानी के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गए। न्यायों का ग्रंथ 7 अध्याय का 13 वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें सर्वप्रथम भाग हमने देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने गिदोन के विषय में मिद्यानी की छावनी में किसी को स्वप्न दिया था और स्वप्न का अर्थ दूसरा कोई बता रहा था। यही देखने के लिए परमेश्वर ने पिछले ध्यान में हमने देखा था गिदोन से कहा, अगर तुम्हें डर लगता है अपने दास पूरा को संग लेकर मिद्यानी की छावनी में जा और जाकर वहां पर सुन कि वे क्या बातें करते हैं। मिद्यानी की छावनी में किसी एक व्यक्ति को एक दर्शन मिली है, एक स्वप्न मिली है और स्वप्न में जौ की रोटी होती है। जिस आहार को मिद्यानी इसराइलियों के हाथों से छीन लिया करते थे और उन्हें पर्याप्त या फिर अधिक होने पर इसराइलियों को ना मिलने जैसा उन्हें सत्यनाश कर दिया करते थे, वही आहार वही एक जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यानी की छावनी में जाकर और डेरे से ऐसा टक्कर मारे कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि वह डेरा गिरा ही पड़ा रहा। इस स्वप्न को सुनते ही दूसरे ने कहा, ये तो कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, परंतु गिदोन का तलवार है, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानी को इसराइलियों के हाथ में कर दिया है। दूसरी बात, गिदोन के पास सिर्फ 300 लोग थे और 300 लोगों को उन्होंने 100-100 करके 3 चुंडों में कर दिया था और गिदोन ने हर एक पुरुष को उसके हाथ में एक नरसिंगा दिया और खाली गड़ा दिया और घड़े के भीतर उन्हें मशाल दिया था। गिदोन ने उनसे कहा, जैसा मैं कहूँ वैसे तुम भी क्या करना, जब मैं नरसिंगा फूंको तुम भी ऐसी करना और ललकार कर कहना कि यहोवा और गिदोन का तलवार, बस इतना ही कहना। गिदोन के इशारे के अनुसार उन्होंने किया, उन सब लोगों ने नरसिंगा फूंका और अपने अपने घड़ों को फोड़ दिया और वे 300 लोग एक साथ छावनी के चारों ओर घूमते हुए यह कहकर चिल्लाने लगे कि यहोवा का तलवार और गिदोन का तलवार। उसके बाद वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और इसे देखकर सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। इसके बाद इसराइली अर्थात नप्ताली अशेर और मनुष्य ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मिद्यानी को भगाना शुरू करते हैं। गिदोन ने इब्राहिम के पास एक संदेश भिजाया कि वे भी आए और मिद्यानी के साथ में मुठभेड़ करें। इब्राहिमी भी इनके साथ में जुड़ जाते हैं, सब लोग मिलकर मिद्यानी को भगा देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने मिद्यानी के हाथों से इसराइल को छुड़ाया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, आपके जीवन में इसी प्रकार से कोई ऐसी सतावट होगी जिस किसी भी कारण से क्यों ना हो या फिर जिस किसी वस्तु के विषय में क्यों ना हो, अगर आपको कोई सताते हैं, आपको कोई परेशान करते हैं, परमेश्वर उसी को हथियार के रूप में उपयोग करते हुए आपके शत्रुओं को आपके सामने से दूर कर देंगे, आपकी सतावट को आपसे दूर कर देंगे, आपके पर अंधेर करने वालों को परमेश्वर आपसे दूर भगा देंगे। इसराइल के हाथों में से मिद्यानी आकर रोटी छीन लिया करते थे, उनका भोजन छीन लिया करते थे। इसराइल के पास में कुछ भी नहीं बचता था, उनके डर से किलों में जाकर गुफाओं में जाकर अपने अनाज को छुपाए करते थे।
उसी अनाज से, उसी आहार से, उसी रोटी से परमेश्वर ने एक स्वप्न देकर उसी स्वप्न के माध्यम से मिध्यानी को भगा दिया था। मिध्यानी डर के मारे भाग जाते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से बिना हथियार के मिध्यानी के हाथों में से इसराइल को छुटकारा देते हैं। अनगिनत संख्या में आए हुए इतनी बड़ी सेना को परमेश्वर ने केवल एक स्वप्न से और अपनी योजना से, अपनी प्रणाली से उन सबों को दूर कर दिया है। परमेश्वर आपके भी इसी प्रकार से साथ देते हैं और आपके शत्रु चाहे कितने बड़े भी क्यों ना हो, परमेश्वर सारे शत्रुओं को आपसे दूर कर देंगे और आपको सामर्थ देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी परमेश्वर रक्षा करते रहेंगे और परमेश्वर हमेशा के लिए आपको अपनी शांति और आशीर्वादों से भरते रहेंगे। आइए दुआ करते हैं। बड़े बड़े युद्ध परमेश्वर अपने पराक्रम से अपने किए हैं और प्रभु जी उसमें किसी मनुष्य का कोई योगदान नहीं था, परंतु परमेश्वर आपकी ओर से सामर्थ्य आई, आपकी ओर से शक्ति आई और शत्रुओं को परमेश्वर अपने संतान इसराइल से दूर कर दिया था। आज भी परमेश्वर हमने सुना है कि विद्यानों को अपने परमेश्वर किस प्रकार से दूर कर दिया है। हमारे जीवन में प्रभु जी इस प्रकार के कोई विद्यानी हो तो हम दुआ करते हैं वचन सुनने हमारे सारे परिजनों के विषय में प्रार्थना में सहभागी होकर प्रभु जी से झुकाए हुए आपके भक्तगणों के जीवन में प्रभु दुआ करते हैं कि परमेश्वर ऐसी कोई भी संकट क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, उन सबों को विद्यानों की तरह प्रभु जी दूर भगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी शांति और अपनी आशीषमान हाथ हमेशा अपने भक्तों के ऊपर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग सिद्ध होकर आपके दिव्य सानिध्य में आने के सौभाग्य देते हुए हम सबों को सजीवों की गिनती में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। वो नरसिंह की आवाज हमेशा आपके घरों में गूंजते रहे, वो ललकार के शब्द परमेश्वर हमेशा आपकी जबान पर रखे, जिसके माध्यम से शत्रु की सारी ताकतें, शैतान की सारी ताकतें आपसे, आपके घर से, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।